हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। राइट बच्चा लोग, तो चलिए आज हम लोग वापस से आ गए हैं। और अब की बार में जो टॉपिक लाया, जो चैप्टर लाया हूं, ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। राइट, वैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक इट्स नॉट नेसेसरी ओनली फॉर 11th गुजरात बोर्ड, 11th सीबीएसई, 11th आईएससी, सब में ये टॉपिक आता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ऑनेस्टली जब कभी भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को हमेशा से एक बात बोलता हूँ, तुम मुझे 15 मिनट दो, मैं तुम्हें पूरा चैप्टर दे दूंगा। यस, ओनली ऑनेस्टली सिर्फ 15 मिनट्स में ये चैप्टर मैं आपको पूरा का पूरा सिखा सकता हूँ। इसलिए आपको भी अभी वही करना है, आपको अपने प्रेशियस 15 मिनट्स मुझे देने और मैं आपको ये पूरा चैप्टर सिखा दूंगा। मन में सवाल होगा, सर कौन सा चैप्टर है? सो यस, बताता हूँ। आज का हमारा चैप्टर का, आज के हमारे टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर हम सीखने वाले हैं, ये टॉपिक हम सीखने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट, 11th गुजरात बोर्ड के अकाउंट्स के वॉल्यूम 2, पार्ट 2 का ये चैप्टर रहने वाला है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर 15 मिनट में आप ये चैप्टर कैसे पूरा सिखाओगे? सो सर, मैंने आपके लिए बहुत ही कंडेंस्ड टेबल बना रखी है। अगर ये टेबल आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ ली तो सर मानिए मत मानिए, ये पूरा चैप्टर आपका हो गया है सिर्फ एक टॉपिक छोड़ के। ऑनेस्टली वैसे तो वो भी कुछ अलग नहीं है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग, इसलिए शायद उसको आपको अलग से पढ़ना पड़े, और वो है अकोमोडेशन बिल। उसके सिवाय आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है। इसलिए आपका काम रहेगा यहाँ पे फोकस करना। ये चैप्टर को समझाने के लिए मैंने मदद ली है एक छोटी सी कहानी की। मैं एक कहानी, एक स्टोरी के फॉर्म पे आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। इस कहानी में दो किरदार है, एक मैं, दैट इज मोहित, एक रोहित। ठीक है, हम इन दो कैरेक्टर की हेल्प से ये पूरी की पूरी सिचुएशन को एलाबोरेट करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किस तरह से जनरल एंट्रीज की जाती है, और दोनों पार्टीज के व्यू पॉइंट से एंट्रीज में क्या क्या फर्क पड़ता है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सो ये छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। ऑनेस्टली अगर आपने पूरा मेरे साथ आज कंटिन्यू किया है, एंड तक ये वीडियो पढ़ा है, तो मैं आपको गारंटी बताता हूँ, आप जाके इलस्ट्रेशन सॉल्व करना चालू करो, आपका चैप्टर हो गया है। चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं मेरी बुक्स में, यानी कि मोहित के बुक्स में। ठीक है, और एक दूसरी पार्टी है जिसके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, उसका नाम है रोहित। तो चलिए मैं आपको छोटी सिंपल तरीके से चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं। मानिए कि मैंने गुड्स बेचे रोहित को, तो मैं एंट्री क्या करूंगा मेरी बुक्स में? मेरी बुक्स में एंट्री आने वाली है कि रोहित भैया हो गया मेरा डेटर, तो रोहित हो जाएगा मेरा डेटर। सपोज मैंने रोहित को गुड्स बेचे हैं 50,000 के, सो रोहित डेटर हो गया 50,000 से, और मैंने गुड्स बेचे हैं, तो मैं एंट्री करूंगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है भैया, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, 50,000। आपको एग्जाम में पूरा परफेक्ट फॉर्मेट बनाना है, जनरल एंट्री वाला, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, वलाना वलाना, एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज आप लोग अपनी स्पेसिफिक स्कूल की टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, वहां जैसा प्रेजेंटेशन किया गया आपको वही करना है। ठीक है, तो चलिए मोहित ने रोहित को गुड्स बेचे, यानी कि मैंने गुड्स बेचे, तो मैं एंट्री करूंगा रोहित मेरा डेटर हो गया और गुड्स गए मतलब सेल्स। रोहित एंट्री करेगा कि रोहित ने परचेस किया, राइट? सो रोहित एंट्री करेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, तो रोहित ने परचेस किया 50,000 का, और मोहित उसका क्रेडिटर हो गया है, तो वो एंट्री करेगा कि भैया मैं उससे पैसे मांगता हूँ, कितने मांगता हूँ, 50,000। डन है भाइयों? चलिए अब मानते हैं ये ट्रांजेक्शन हुआ था 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ था। मैंने रोहित को गुड्स बेचे 50,000 के, और रोहित ने मुझसे गुड्स खरीदे 50,000 के, और रोहित ने मुझे प्रॉमिस किया कि भैया सुन लो, एक ही कंडीशन पे गुड्स आपसे खरीदूंगा कि मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगा, मुझे 90 डेज मिनिमम चाहिएंगे पैसे देने के लिए, तो आपको मंजूर है भैया 3 महीना तो ही मैं गुड्स खरीदता हूँ, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है चल 3 महीना डन। तो 1 जनवरी को मैंने गुड्स बेचा, 3 महीने कब होंगे? 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपके 3 महीने हो जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कानून कहता है कि हमें 3 दिन ग्रेस पीरियड देना पड़ता है, मतलब मेरे को पैसा मिलने वाला है 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, मेरे को पैसा मिलेगा 4 अप्रैल को। ठीक है भैया, मैंने ये कंडीशन पे मान लिया, कानून मान लिया, मैंने डन, मैंने तेरे से 3 महीने बाद में पैसे लेने वाला हूँ। ये कंडीशन में मैंने 1 जनवरी को रोहित को गुड्स बेच दिए, पैसा मिलेगा 1 मार्च को। अब कुछ 1 महीने बाद मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, अर्जेंटली मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने रोहित को कॉल किया, मैं कि रोहित यार कैसा है, सब ठीक है? भाभी जी बढ़िया है, बच्चे ठीक है? ठीक है, सीधा आदमी डायरेक्टली बात पे नहीं आ सकता, थोड़ा गोल घुमा के बात करनी पड़ती है। ठीक है, सो मैंने उसको कहा कि यार
को पता होगा कि मैंने तुझे गुड्स बेचे थे और मैं तेरे से पैसे मांगता हूँ। उसने बोला, हाँ भैया मुझे याद है, आप मुझसे पैसे मांगते हो 50,000 रुपए, और वो पैसे ड्यू कब हो रहे हैं? वो पैसे ड्यू हो रहे हैं 1 अप्रैल को, मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो आप। मैंने बोला, नहीं यार मुझे पैसों की आज जरूरत है। तो रोहित ने बोला, क्या मजाक हो रहा है यार, आज तो 1 फरवरी है, 1 महीना हुआ है पूरा खत्म, मुझे आपको 1 अप्रैल को देना, अभी मेरे पास 2 महीने बाकी है, तो मैं अभी कहाँ से पैसा लूँ। मैंने बोला, रोहित यार जुगाड़ करने यार, मुझे पैसे अर्जेंट में चाहिए। रोहित ने बोला, सॉरी भैया अभी तो मेरे पास एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने बोला, चल एक काम कर, मैं तेरे को एक बिल बना के दूँ, तू उस बिल पे साइन करके मुझे दे दे। उसने बोला, ठीक है बिल बना के भेजो। मैंने एक बिल बनाया, ये बिल एक पेपर का कागज का टुकड़ा होता है, उस पर लिखा होता है, आई रोहित प्रोमिसेस टू पे मिस्टर मोहित अ सम ऑफ ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल, टडंग खत्म, राइट। इतना सा लिखा होता है। मैंने ये बिल बना के रोहित को भेजा, रोहित ने बिल पढ़ा, रोहित ने देखा बिल पे लिखा हुआ, आई रोहित प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल टू मिस्टर मोहित और द बैरर, दैट्स इट, राइट। तो रोहित ने वो बिल को देखा, बोला, हाँ सही बात है, मेरे को 1 अप्रैल को पैसे देना है, रेडी। रोहित ने बिल पे साइन करके मुझे वो बिल भिजवा दिया। अब ध्यान रखना, जो बिल बनाता है उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, जो बिल को एक्सेप्ट करता है यानी कि साइन करता है भैया, उसके लिए होता है बिल्स पेएबल। इस केस में बिल किसने बनाया? मैंने। तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, मतलब एसेट होगा। तो भैया मैं एंट्री करने वाला हूं, मेरे पास बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेरे पास बिल आया कितने का? 50,000 का। और किसने दिया? रोहित ने। तो अब रोहित मेरा डेटर नहीं रहा, रोहित मेरी बुक के बाहर चला जाएगा 50,000 से। रोहित क्या एंट्री करेगा? रोहित ने बिल एक्सेप्ट किया, तो रोहित के लिए है पेएबल। पेएबल मींस लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो रोहित एंट्री करेगा, भैया मेरी नई लायबिलिटी आ गई है बिल्स पेएबल, और वो बिल्स पेएबल कितने का है भैया? 50,000 का है। क्यों? क्योंकि अब मोहित मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस बिल में लिखा है कि भैया 1 अप्रैल को पैसे मिलेंगे। इस बिल में लिखा है कब पैसा मिलेगा मुझे? 1 अप्रैल को। फाइन इनफ। अब मुझे तो भैया पैसों की आज जरूरत है, आज मेरे पास बिल आ गया है मेरे हाथ में 50,000 का। अब बच्चा लोग, इस बिल जो, ये बिल जो मेरे हाथ में है, इस बिल से मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ये बिल नेगोशिएबल होता है, मेरे पास 50,000 का बिल पड़ा है रोहित का, तो इस बिल से मैं 4 चीजें कर सकता हूँ। चलिए ये चारों चीजें मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा पूरे के पूरे नए पेज पे। आप खाली ध्यान रखिएगा कि इस बिल से मैं 4 चीजें कर सकता हूँ, राइट। कौन सी 4 चीजें? उसके लिए नीचे आइए। सो इस बिल से हम 4 चीजें कर सकते हैं। कौन सी? सबसे पहला होता है HTM, दैट इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। इस बिल को मैं मेच्योरिटी तक अपने पास ही रखूं, पहली सिचुएशन, राइट। अभी बिल किसके पास है? मेरे पास है। मेच्योरिटी कब है? 1 अप्रैल को है। 1 अप्रैल तक बिल को मैं मेरे पास रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा, तो एंट्री क्या करें? क्यों एंट्री करें भैया? अभी भी बिल मेरे पास है, आगे भी बिल मेरे पास ही रहेगा, तो इसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट केस में अगर बिल मेरे पास ही रहने वाला है, उसकी कोई एंट्री आएगी नहीं, उसकी कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है। सेकेंड केस, बिल मेरे पास आ गया था 1 फेब को, मेरे को पैसे आज चाहिए, जबकि मेच्योरिटी है 1 अप्रैल को। मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को जाके बोला, बैंक बैंक देख मेरे पास एक बिल है 50,000 का, रोहित का बिल है, और रोहित मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो मुझे पैसा देगा 1 अप्रैल को, क्या तुम मुझे अभी पैसा दे सकती है? बैंक ने बोला, ठीक है बैठ 5 मिनट में देखता हूँ। बैंक ने जाके चेक किया रोहित की क्रेडिट वगैरह, भैया सब ठीक है कि नहीं है, रोहित आदमी बढ़िया है कि नहीं बढ़िया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर चीज देखी बैंक ने, और बैंक को लगा हाँ यार पैसा आराम से आ जाएगा। बैंक ने मेरे को आके बोला, चल मैं तेरा बिल लेने को तैयार हूँ, बट मैं तुझे 1,000 रुपए कम दूंगा, 1,000 रुपए मेरे चार्जेस रहेंगे। मैंने बोला, डन, मंजूर है। तो भैया अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कि मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल गया, कितने का गया? 50,000 का। बैंक मुझे कितना पैसा दे रही है? बैंक मुझे पैसा दे रही है 49,000, और 1,000 मेरे को चार्जेस लगे, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे भैया इसको? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बैलेंस कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। बैंक बैलेंस आया 49, बिल गया 50,000 का, 1,000 का नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया, उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। दिस इज सेकेंड सिचुएशन, जब हम हमारे बिल को बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाते हैं। इस पूरे सीन को, इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलेंगे बच्चा इसे? इसे बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरी सिचुएशन, मेरे पास बिल आ गया 1 फरवरी को,
अब मेरा एक क्रेडिटर मेरे पास आया, मुझे आके बोलता है कितना टाइम हो गया तेरा पैसा अभी तक तूने दिया नहीं भैया, मेरे पैसे मुझे ला। मैंने बोला कितने पैसे बाप के बाकी? बोले 51,000 बाकी है। कब से बाकी है भैया पैसे दे मेरे को मेरे। मैंने बोला देखो सुनो, मेरे को 1 अप्रैल को रोहित से पैसा आने वाला है, देखो ये बिल दिया हुआ रोहित ने 50,000 का, 1 अप्रैल को पैसा आते ही मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे क्रेडिटर ने बोला एक काम करिए बिल मुझे दे दे, चल अपना हिसाब क्लियर। मैंने बोला डन। तो अब क्या होगा, मेरा बिल गया, अगेन क्रेडिट वॉट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, मेरा बिल गया कितने का गया भैया 50,000 का बिल गया। क्रेडिटर मुझसे कितने मांगता था 51,000, हिसाब क्लियर। तो भैया क्रेडिटर को बंद कर दो, क्रेडिटर को डेबिट कर दो, अब क्रेडिटर मुझसे कुछ नहीं मांगते, 51,000 से बंद हो गया। अब मजे की बात देखो सर, 51,000 की उधारी के सामने हमने सिर्फ 50,000 का बिल दिया, मतलब हमें 1,000 का फायदा हो गया। उसे कहा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। याद रहेगा भैया सबको, बहुत सिंपल है। तो ये हो गई तीसरी सिचुएशन जब आप अपना बिल अपने किसी क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर देते हैं, इसे कहा जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है यार, रोज के हजारों बिल आते हैं, हजारों बिल जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज एक एजेंट को अपॉइंट कर देती है, इसे कहा जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम क्या करते हैं भैया, जैसे हमारे पास बिल आया हम हमारे कलेक्शन एजेंट को पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब उस कलेक्शन एजेंट का काम है कि भैया पूरी फाइल मेंटेन कर, देख आज कौन सा बिल ड्यू हुआ, जब जब जो जो तारीख को जो जो बिल ड्यू हो रहा है वो बिल निकाल, पार्टी के पास लेके जा, पैसा कलेक्ट कर और हमारे खाते में यानी कि मेरे खाते में डाल दे। राइट, तो मैं हर बार यही करता हूं, जैसे ही मुझे बिल मिलता है मैं मेरे एजेंट को पकड़ा देता हूं। इस केस में हम एजेंट को बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे BSFC। राइट, चलिए सो मैं कैसे लिखूंगा इसमें, इस केस में मैं बोलूंगा भैया मेरा बिल गया, कितने का बिल गया भैया मेरा 50,000 का, किसके पास गया? मैंने तो मेरे एजेंट को दे दिया, मतलब चलो भैया एजेंट इज द रिसीवर, तो BSFC दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन 50,000 से डेबिट हो गया, याद रहेगी। सो चलिए वापस से एक बार देखते हैं मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको सिखाया जब कभी भी हमारे पास बिल होता है, इस बिल के साथ हम चार चीजें कर सकते हैं। क्या क्या चार चीजें कर सकते हैं? पहला, बिल को हम अपने पास रखेंगे मेच्योरिटी तक, अगर बिल पहले भी मेरे पास है अभी भी मेरे पास है तो भैया फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री। सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है, बिल को हमने दे दिया बैंक को डिस्काउंट करवाने के लिए, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिल गया 50,000 का, बैंक से पैसा आया 49,000 और 1,000 जो हमें कम मिला दैट इज बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस और डिस्काउंटिंग चार्जेस। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, बिल को हमने दे दिया क्रेडिटर को, तो भैया हम एंट्री क्या करेंगे, बिल गया 50,000 का, क्रेडिटर था हमारा 51,000 का, मतलब हमने 51,000 के सामने सिर्फ 50,000 का पेमेंट कर दिया, मींस वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। राइट, और फोर्थ केस में हमने अपना बिल दे दिया BSFC को, दैट इज हमारे एजेंट को, एजेंट को कहा भैया ये बिल तुम्हारी फाइल में जमा कर लो, जब भी ये बिल मैच्योर होगा पैसे कलेक्ट करो, मेरे खाते में डिपॉजिट कर देना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिल गया और किसके पास गया, कलेक्शन एजेंसी के पास, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चलिए सो ये आपका 33% चैप्टर हो गया, यस 33% आपका चैप्टर हो गया है, और जैसे कि मैंने कहा था 15 मिनट ही लूंगा सर, 15 मिनट ही लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब 1 अप्रैल आ गई, 1 अप्रैल को दो बातें हो सकती है, सर ये सारी की सारी एंट्री मोहित की बुक्स में आएगी, मैं बिल को डिस्काउंट करवा रहा हूं, मैं बिल को क्रेडिटर को दे रहा हूं, मैं बिल को BSFC को दे रहा हूं, रोहित को क्या लेना देना है, वो अपने घर पे मजे से है, उसको पता है कि भैया 1 अप्रैल को मुझे पैसा चुकाना है, बात खत्म। राइट, तो रोहित के बुक में इनमें से कोई एंट्री का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई क्रॉस एंट्री नहीं आएगी, रोहित को कुछ लेना देना नहीं है। अब मजे की बात सुनते हैं, अब आ गया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल वो दिन है जब बिल मैच्योर होने वाला है, हम 3 दिन ग्रेस देते हैं, मतलब हम 4 अप्रैल को बिल का पैसा लेने के लिए जाएंगे, 1 अप्रैल को हम इंटीमेट करते हैं कि भैया तुम्हारा पैसा ड्यू हो गया, 3 दिन में पैसा जुगाड़ के रखो, हमको पैसा चाहिए, और हम 4 अप्रैल को वहां पहुंच जाएंगे पैसे लेने के लिए। चलिए सिचुएशन समझते हैं, चारों सिचुएशन में क्या क्या होने वाला है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की, फर्स्ट सिचुएशन में बिल किसके पास है, भैया फर्स्ट सिचुएशन में बिल है मेरे पास, मैंने मेच्योरिटी तक हेल्ड किया था, तो मैं बिल लेके जाऊंगा रोहित के पास, रोहित को बोलूंगा रोहित पकड़ तेरा बिल पैसे ला, रोहित ने बोला हाँ भाई मेरा बिल है, रोहित ने बिल रखा और मुझे पैसे दे दिए, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा मेरा बिल गया, बिल्स रिसीवेबल गया, कितने का गया भैया 50,000 का गया, और मुझे पैसा मिल गया, मुझे बैंक से पैसा मिल गया 50,000, खत्म कहानी, डन। सेकेंड केस में बिल किसके पास है, अरे बिल तो मैंने बैंक में डिस्काउंट करवा लिया था, अच्छा तो बिल बैंक के पास है, यस, तो 1 अप्रैल को बैंक जाएगा रोहित के पास,
रोहित पैसा देगा बैंक को। ट्रांजैक्शन है बैंक और रोहित के बीच में, मैं क्यों एंट्री करूं? तो भैया मेरी बुक में नो एंट्री, राइट। थर्ड सिचुएशन में बिल किसको दे दिया था हमने, तो क्रेडिटर को दे दिया था। अब मैच्योरिटी के दिन क्रेडिटर जाएगा रोहित के पास, रोहित पैसा देगा जो बिल लेके आ रहा है, मतलब क्रेडिटर को। तो अगेन द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन क्रेडिटर एंड रोहित, हम एंट्री करने वाले नहीं है। सो थर्ड सिचुएशन में भी नो एंट्री। बट फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है, बिल किसके पास है, हमारे एजेंट के पास। एजेंट गया बिल लेके रोहित के पास, रोहित को बोला रोहित पकड़ तेरा बिल, पैसे ला। रोहित ने बिल रखा, पैसे दे दिए हमारे एजेंट को। ट्रांजैक्शन एजेंट और रोहित के बीच में हुआ, बट एजेंट जब वापस से ऑफिस आएगा तब रास्ते में आते आते वो पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा भैया मेरे बैंक में पैसा आ गया। कितना आ गया, 50,000 आ गया। कहां से आया, हमारे एजेंट ने डिपॉजिट कराया, मतलब बीएसएफसी ने हमारे अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट करवा दिए। डन है, डन है भैया। तो जब कभी भी बिल ऑनर होता है हमें सिर्फ दो ही केस में एंट्री करनी है, पहला हेल्ड टिल मैच्योरिटी में और दूसरा बीएसएफसी के केस के अंदर। अब आप बोलोगे चलो ये तो मोहित की बुक में एंट्री होगी, रोहित क्या एंट्री करेगा? भैया रोहित को कोई मतलब नहीं है कौन जा रहा है पैसा लेने के लिए, मैं जा रहा हूं, बैंक जा रहा है, क्रेडिटर जा रहा है, फिर एजेंट जा रहा है। रोहित को पता है बिल आया पैसा गया, तो रोहित बेचारा सीधा साधा आदमी है, वो एक एंट्री करेगा सिंपल सी, वो एंट्री करेगा कि भैया बिल्स पेबल गया और पैसा दे दिया हमने, कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहो, ज्यादा प्रेफरेबल है बैंक लिखो। तो भैया बैंक से पैसा गया और हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई 50,000 की। ये सारी कहानी मोहित की बुक में है, रोहित को कोई मतलब नहीं है, रोहित को पता है 50,000 चुका है, बिल खत्म, कहानी फिनिश। आ रही है बात समझ में? अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब फाइनल टॉपिक, 33% चैप्टर बाकी है, डोंट वरी, 33%, एक और मिनट, लास्ट एक मिनट, राइट। चलिए अब फाइनल कहानी है कि 1 अप्रैल को जब हम पैसा लेने जाते हैं, रोहित कहता है भैया मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मुझे और समय चाहिए पैसा चुकाने के लिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मतलब कि मेरा बिल हो जाता है डिसऑनर। क्या हो जाता है भैया, मेरा बिल डिसऑनर, मतलब रोहित ने अपनी जबान नहीं रखी, उसने अपने बिल को ऑनर नहीं किया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, चलिए समझते हैं चारों की चारों सिचुएशन के अंदर। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, बिल किसके पास है, मेरे पास हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मैं बिल लेके गया रोहित के पास, मैंने रोहित को बोला भाई बिल पकड़ पैसे दे, रोहित ने बोला सर पैसे तो नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है तो तू वापस से मेरा डेटर हो गया, मतलब मैं एंट्री करूंगा मेरा बिल्स रिसीवेबल 50,000 का गया, और क्यों गया, क्योंकि रोहित फिर से मेरा डेटर बन गया, रोहित वापस से मेरा डेटर बन जाता है 50,000 से, याद रहेगा, उसने बिल को डिसऑनर किया, मतलब बिल गया सामने पैसा नहीं आया, तो रोहित फिर से मेरा डेटर बन गया। सेकेंड केस में बिल किसके पास है, सेकेंड केस में भैया बिल है बैंक के पास, बैंक गया फटाफट रोहित के पास, रोहित को बोला लो भैया आपका बिल मैच्योर हो गया पैसे निकालो, तो रोहित ने बोला बैंक जी पैसा तो नहीं है, बैंक भाग के आएगा और मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा और मुझे कॉल या मैसेज छोड़ देगा, सर आपका जो बिल था वो डिसऑनर हो गया है इसलिए हमने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, मतलब बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, मे बी 50,000 प्लस सम चार्जेस, मतलब हो सकता है 50,500 रुपए बैंक मेरे अकाउंट से निकाल ले। बोलेगा 50,000 तो बिल का प्लस 500 रुपए चार्जेस, भैया आने जाने का तेल का भाड़ा लगता है अपने को, राइट, तेल वेल का खर्चा लगता है, बाइक लेके गया, ऑटो लेके गया, आई हैव टू पे समथिंग, सो 500 रुपए उसने मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। मैंने रोहित को फोन किया, रोहित तूने बैंक को पैसा नहीं दिया, बोले नहीं भैया अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो मैंने बोला अब से तू वापस से मेरा डेटर है और मैं तुझसे कितने मांगता हूँ, मैं तुझसे मांगता हूँ 50,500 रुपए। वो पूछेगा 500 किस बात के, तूने बिल डिसऑनर किया, बैंक ने मुझसे चार्जेस लिए, वो अब तू भरेगा क्योंकि बिल तूने डिसऑनर किया, तो मैं तुझसे 500 रुपए चार्जेस लेने वाला हूँ। उसने बोला ठीक है, चल ये हो गई सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में भैया बिल किसके पास है, बिल तो भैया हमने क्रेडिटर को दे दिया था, क्रेडिटर गया था पैसे लेने के लिए रोहित के पास, रोहित ने पैसे नहीं दिए, तो क्रेडिटर ने मुझे फोन किया, मोहित अब से वापस से मैं तेरे से पैसे मांगता हूँ, मतलब भैया क्रेडिटर फिर से आ गया, क्रेडिटर कितने मांगेगा मुझसे, क्रेडिटर पूरे मांगेगा, कोई डिस्काउंट नहीं देगा भैया, पूरे मांगेगा 51,000। मैं रोहित को फोन करूंगा, अब से तू फिर से मेरा डेटर, मतलब रोहित फिर से मेरा डेटर हो जाएगा 50,000 से,
और बच्चा लोग जो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो अब डिस्काउंट रिसीव कैंसिल हो गया, तो 1000 का जो डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ था वो अब उसको हम कैंसिल कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव 1000। इसको डिस्काउंट अलाउड मत लिख देना, डेबिट में लिखना, इसलिए डिस्काउंट रिसीव ही रहने देना, उसको अलाउ करने की झंझट मारी मत करना, क्योंकि ये पुराना वाला डिस्काउंट रिसीव कैंसिल हुआ है इसलिए। ठीक है बच्चा लोग, से पुराना वाला डिस्काउंट रिसीव कैंसिल हो गया 1000 का, और बैंक रोहित हमारा डेटर बन गया और वापस से क्रेडिटर आ गया 51000 से। आखिरी कहानी यह है कि भैया हमारा एजेंट गया पैसे लेने के लिए, एजेंट को पैसे नहीं मिले, तो वाप एजेंट मुझे फोन करेगा, सर पैसा नहीं मिला बिल का। मैंने बोला ठीक है, तो भैया हमारा एजेंट खाली हाथ आ गया, BSFC 50000 खाली हाथ आ गया। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, ठीक है अब दिखेगा, ठीक है BSFC आ गया खाली हाथ, और सामने रोहित फिर से मेरा डेटर बन जाता है 50000 से। रोहित मेरा डेटर बन गया फिर से 50000 से, याद रहेगा। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी बिल डिसऑनर हो रहा है हर केस में भैया रोहित तो डेटर बनेगा ही बनेगा, हर केस में रोहित तो डेटर बनेगा ही बनेगा। पहले केस में क्या हुआ भैया, पहले केस में बिल गया, दूसरे केस में बैंक बैलेंस गया, तीसरे केस में हमारा क्रेडिटर वापस आ गया, चौथे केस में हमारा BSFC खाली हाथ आ गया, और हर केस में जब भी बिल डिसऑनर होता है रोहित को तो वापस डेटर बनाना ही बनाना है, कंपल्सरीली कंपल्सरीली, राइट बच्चा लोग। सो इसके साथ ऑनेस्टली इसके साथ आपका चैप्टर खत्म, यस इसके साथ आपका चैप्टर खत्म। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक छोटे से फ्लो चार्ट में समझा दिया है, तो अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी ऑनेस्टली ऑनेस्टली तो आपको चैप्टर आ गया, इसमें कुछ नहीं है। और अगर नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, शायद ध्यान कहीं और होगा, एक बार फिर से वीडियो देख लो, आपको 100% चैप्टर समझ में आएगा आएगा। इस चैप्टर में इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, और ये चैप्टर आपके एग्जाम में डिपेंड करता है कितने मार्क का पेपर है, बट जहां तक मैं मानता हूं ये चैप्टर करीबन करीबन अगर आपका हाफ पोर्शन आने वाला है तो आपके लिए 10-15% मार्क के चैप्टर कैरी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है बच्चा लोग, सो इसके साथ साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। मेरा अगला वीडियो आने वाला है अबाउट रेक्टिफिकेशन, तो पहले ये चैप्टर खत्म कर लो, इसके साथ इलस्ट्रेशन खत्म करो, तब तक आपके सामने मेरा दूसरा वीडियो पहुंच जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये भी चैप्टर 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड के अकाउंट्स की वॉल्यूम 2 का ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।